हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के साथ हरी मिर्च का अचार शेयर करने जा रही हूँ। ऐसे ही लॉकडाउन चल रहा है तो बैठे बैठे क्या करें, कुछ काम ही कर लेते हैं। तो मैंने बनाया है हरी मिर्च का अचार। तो मैंने इन मिर्चियों को अच्छे से धोकर धूप में 1-2 घंटे के लिए सुखा दिया था। पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। हमें अचार बनाते समय इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि कच्चा पानी बिल्कुल इसमें नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारा अचार जो है वो ख़राब हो सकता है। अब हम मिर्चियों को कट कर लेंगे। आप चाकू से भी मिर्ची काट सकते हो। ये मेरे पास एक कटर है जो मैं ला के रखी हूँ। मैं इससे सब्जियाँ काटती हूँ। इससे सब्जियाँ बहुत ही आसानी से कट जाती है। ये देखिए इस तरीके से एक बराबर कटिंग होती है। ये राई ली है 1 चम्मच, पीसेंगे राई को। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच नमक लिया है। राई को मैंने दरदरा पीसा है। राई को बारीक नहीं करना है, एकदम दरदरा ही रखना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सरसों का तेल लिया है मैंने, 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल लिया है। अब तेल को गरम करेंगे अच्छे से। गरम करने के बाद में हम तेल को ठंडा कर लेंगे। देखिए तेल गरम हो चुका है। मैंने 1 चम्मच फोरन डाल दिया है। ये आधा छोटा चम्मच हींग डाली है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और तेल को ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये नींबू, नींबू को भी मैंने धो के सुखा लिया था। पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। नींबू का रस हम मिर्ची में डालेंगे। नींबू का रस डालने से मिर्ची का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। रस को अच्छे से इस मिर्ची में मिला देंगे। अब सरसों का तेल ठंडा हो चुका है। तेल इसके ऊपर डाल देंगे। तेल को मिक्स करेंगे और हम एक कांच के कंटेनर में डालकर इसको 4 से 5 दिन तक धूप लगाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मेरा आने वाला न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिले। बाय बाय।